ओके है एवरी वन सो टुडे लेट्स डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स एज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मास इसमोलम एंड फिगर्स ए बी सी वाट इज द इक्विवलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द पेयर ऑफ स्प्रिंग्स इन ईच केस फाइन सो देखो जब भी हम एस एच एम स्टडी करते हैं ना सो क्या होता है लेट्स हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एस एच एम करता है देन देयर विल भी वन मेन पोजिशन मेन पोजिशन मीन्स नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल भी जीरो सो दैट विल भी योर मेन पोजिशन एक्सेज इक्वल टू जीरो नाउ इस पार्टिकल को जब हम शिफ्ट करेंगे किसी डिस्टेंस एक्स पे देन उस केस में जो नेट फोर्स आएगा इस पार्टिकल पे दैट विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजिशन और उसका मैग्नीट्यूड होगा के इन टू एक्स एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड दिस के इज़ अ प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट सो इस केस में जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के नाउ किसी भी एस एच एम का अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सो वॉट शुड बी द प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन पोजिशन आइडेंटिफाई करना है देन मेन पोजिशन से उस पार्टिकल को किसी डिस्टेंस एक्स पे शिफ्ट करना है देन उसका फ्री बॉडी डाइग्राम ड्रॉ करना है देन वहां से उस पर नेट फोर्स चेक करना है नेट फोर्स शुड बी के इन टू एक्स एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर जितना डिस्टेंस आपने उसे शिफ्ट किया राइट सो टाइम पीरियड निकल जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के मीन्स नेट फोर्स को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से के इंटू एक्स से देन वहाँ से हम के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे लेट मी शो यू देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर इस तरह से देखो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सो so, पहले क्या करो मेन पोजिशन फाइंड आउट करना है मेन पोजिशन कहाँ पर होगी जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा आप देखो इस पोजिशन पर नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज जीरो क्यों ज़ीरो है बिकॉज स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है सो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में एम और नॉर्मल रिएक्शन आप, आपस में बैलेंस हो जाएंगे इट मीन्स नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज़ जीरो एट दिस पोजिशन सो दिस इज़ योर मेन पोजिशन अभी इस ब्लॉक को हम शिफ्ट करेंगे किसी डिस्टेंस एक्स पे देखो राइट right में भी शिफ्ट कर सकते हो लेफ्ट लेफ्ट uh, में भी शिफ्ट कर सकते हो सो लेट्स से मैंने इस तरह से इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया नाउ इस पोजिशन पर जब हम फ्री बॉडी डाइग्राम ड्रॉ करेंगे सो अगेन एम जी और नॉर्मल रिएक्शन आपस में बैलेंस हो जाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेज की बात नहीं करेंगे हॉर्जोंटल uh, डायरेक्शन में देखें सो so ये जो स्प्रिंग है लेट्स से ये फर्स्ट स्प्रिंग है और ये सेकंड स्प्रिंग है दोनों ही स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा कितना इलोंगेशन हो जाएगा एक्स राइट right? दोनों स्प्रिंग में इलांगेशन हो जाएगा एक्स सो so, दोनों स्प्रिंग इसे पुल करेंगी जो फर्स्ट वाली स्प्रिंग है वो कितने फोर्स से पुल करेगी के वन इंटू एक्स सेकेंड वाली स्प्रिंग कितने फोर्स से पुल करेगी के टू इंटू एक्स सो नेट फोर्स इज के वन प्लस के टू इंटू एक्स दिस इज द नेट फोर्स डायरेक्टली टूवर्ड्स द मेन पोजिशन अब इस नेट फोर्स को हम कंपेयर करेंगे करेंगे के इंटू एक्स से सो so, यहाँ से जो के इक्वेवलेंट निकल के आएगा दैट इज योर के वन प्लस के टू सो टाइम पीरियड विल भी सिंपली 2 बाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्वेवलेंट दैट इज़ के वन प्लस के टू राइट सो काफ़ी सिंपल है ये वाला केस देखते हैं मेन पोजिशन अगेन ये मेन पोजिशन x इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ये जो दो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी और नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस हो गए राइट सो नाउ मेन पोजिशन हमें पता है देन मेन पोजिशन से किसी डिस्टेंस x पे इस ब्लॉक को शिफ्ट करना है इस तरह से मैंने इसे शिफ्ट कर दिया ये डिस्टेंस कितना है एक्स सो so, ये जो फर्स्ट वाली स्प्रिंग है इसमें इलोंगेशन हो जाएगा कितना एक्स ये जो सेकंड वाली स्प्रिंग है इसमें कितना क्या हो जाएगा कंप्रेशन हो जाएगा कितना कंप्रेशन होगा एक्स सो इस पोजीशन पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो so फर्स्ट वाली स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुल करेगी विद अ फोर्स के वन इंटू एक्स सेकेंड वाली स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुश करेगी बिकॉज इसमें कंप्रेशन है ना सो so, सेकेंड वाली स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुश करेगी विद अ फोर्स के टू इंटू एक्स नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज के वन प्लस k2 into x directly towards the mean position and this net force is directly proportional to x so aap ise compare karoge with k into x means k equivalent into x se hum ise compare karte hain so yahan se k equivalent is simply k1 plus k2 so time period will be 2 pi under root of m by k equivalent k equivalent will be k1 plus k2 right kafi simple hai ये third वाला केस देखते हैं हम क्या करना है mean position identify करना है Again जो spring है अपनी natural length में है सो so स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगेगा स्प्रिंग से कोई फोर्स नहीं लगेगा सो दिस विल बी यूअर मेन पोजिशन नाउ मेन पोजिशन से इस ब्लॉक को हमें शिफ्ट करना है किसी डिस्टेंस एक्स पे इस तरह से राइट नाओ यहाँ पे जब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो so आप देखो जब हमने इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया देन देयर विल बी इलॉन्गेशन इन द फर्स्ट स्प्रिंग एंड सेकेंड स्प्रिंग में भी कुछ इलॉन्गेशन हो जाएगा ज़रूरी नहीं कि सेम इलॉन्गेशन हो लेट्स से जो फर्स्ट वाली स्प्रिंग है उसमें इलांगेशन एक्स वन है जो सेकेंड वाली स्प्रिंग है उसमें इलॉन्गेशन एक्स टू है सो so, इस ब्लॉक पे कौन फोर्स लगाएगा सेकेंड वाली स्प्रिंग फोर्स लगाएगी कितना फोर्स लगाएगी कितना इलॉन्गेशन है इसमें एक्स टू सो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और कितना लगेगा के टू इंटू एक्स टू नाउ यू कैन सी कि जो नेट फोर्स आ रहा है इस ब्लॉक पे दैट इज़ के टू इंटू एक्स टू बट एक्स टू इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम द मेन पोजिशन मेन पोजिशन से जो डिस्प्लेसमेंट है इस ब्लॉक का दैट इज़ एक्स सो हमें इस एक्स टू को कन्वर्ट uh, करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स बिकॉज वॉट वी वॉन्ट इज नेट फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स बट यहाँ पे एक्स टू के आ रहा है सो एक्स टू को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स आप देखो कि हमारे पास दो अननेसेसरी वेरिएबल्स आ रहे हैं लाइक एक्स वन एंड एक्स टू वी डोंट वॉन्ट एक्स वन एंड एक्स टू What we want is x, that is the displacement of the block from the mean position. ये x1 or और jo hai जो unnecessary ये hai वेरिएबल है इन्हें हमें eliminate करना पड़ेगा in terms of x. So हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं सो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन विल भी सिंपली x1 वन प्लस एक्स टू इज इक्वल जब ब्लॉक x डिस्टेंस आगे गया तो जो elongation है फर्स्ट स्प्रिंग में दैट इज एक्स वन और सेकंड वाली में एक्स टू सो दैट इज दैट इज वाई एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू एक्स सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी आप देखो जिस पॉइंट पे ये जो दो स्प्रिंग है आपस में कनेक्टेड है लेट से पॉइंट ए उस पॉइंट पे नेट फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे कोई मास नहीं है मासलेस पॉइंट पे या फिर मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो सो पॉइंट ए को जो फर्स्ट वाली स्प्रिंग है वो पुल करेगी विद अ फोर्स के वन इंटू एक्स वन एंड जो सेकेंड वाली स्प्रिंग है वो भी पुल करेगी विथ के टू इंटू एक्स टू राइट so k and that force is zero it means k1 x1 is equal to k2 into x2 now you can see what we want is uh, we want to eliminate this x1 and x2 है ना so एक काम करते हैं यहाँ से x1 का value निकाल लेते हैं k2 x2 divided by k1 और यहाँ पे put कर देते हैं so ये क्या हो जाएगा k2 x2 upon k1 plus x2 that is your x so यहाँ से x2 is simply k1 x divided by k1 plus k2 इस तरह से हमने एक्स टू को एक्स के टर्म्स में एलिमिनेट uh, कर लिया सिमिलरली जब आप यहाँ पे एक्स टू का वैल्यू पुट करोगे ना सो so आपको एक्स वन भी मिल जाएगा एक्स वन विल बी के टू एक्स टू डिवाइडेड बाई के वन है ना सो so यहाँ पे अगर मैं एक्स टू का वैल्यू पुट करता हूँ देन के टू बाई के वन सो ये आ जाएगा के टू एक्स डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू नाव आप देखो कि हमें जो नेट फोर्स चाहिए इस ब्लॉक पे वो कितना आ रहा है के टू इन एक्स टू सो के टू इंटू एक्स टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स सो ये वैल्यू उठा के पुट कर दो के वन एक्स डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू नाउ दिस नेट फोर्स विच इज डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजिशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स एक्स के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है इट मींस ये जो बचा हुआ पार्ट है ना दिस इज यूर के इक्वेवलेंट है ना सो के इक्वेविलेंट कितना निकल के आ रहा है के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू now time period will be simply 2 pi under root of m upon k equivalent that is k1 k2 or a k1 plus k2 over chalajaya so i think you have understood let me know if you still have any confusion we can discuss further okay i ski working hard best of luck bye <coughs>